इस खबर के प्रायोजक हैं होटल लेक व्यू किशोर सागर तालाब के सामने छतरपुर। आप देख रहे हैं वरदान एक्सप्रेस, मैं हूं आपके साथ हर्षिता। छतरपुर जिले के 15 गांव डूब क्षेत्र में आने की वजह से उनके विस्थापन की कार्यवाही की जा रही है, जिस पर ग्रामीणों ने आपत्ति दर्ज करते हुए जनसुनवाई में शिकायत के आवेदन दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि विस्थापन की जो कार्यवाही की जा रही है वो नियम अनुसार नहीं की जा रही है। विस्थापन की कार्यवाही के लिए जो सूची चस्पा की जानी चाहिए थी, सूची भी चस्पा नहीं की गई है, और जो भी अधिकारी सर्वे करने जाते हैं वो डायरेक्ट सर्वे कर आते हैं, जिसकी सूचना ग्रामीणों को नहीं होती है। इस बात से नाराज आज सैकड़ों ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जनसुनवाई दौरान अधिकारी को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर मामले की विधिवत जांच कराने की बात कही है, जिसका अधिकारी ने ज्ञापन लेकर ग्रामीणों को नियम अनुसार कार्यवाही करने का आश्वासन दिया है। वरदान एक्सप्रेस के लिए छतरपुर से राहुल मालिक की रिपोर्ट। ये प्रदर्शन किया गया, किस प्रकार का ज्ञापन सौंपा गया? देखिए, क्या है कि सरकार के द्वारा 15 गांव डूब में आ रहे हैं, उन गांव का विस्थापन किया जा रहा है, लेकिन वो एक भी नियम कानून का पालन नहीं कर रहे हैं। धारा 11 के तहत जो गांव में नोटिस चिपकाए जाने चाहिए थे, वो नोटिस तक गांव में नहीं चिपकाए गए हैं। प्रशासन गलत जानकारी दे रहा है। लगातार हम प्रशासन को सूचित कर रहे हैं, माननीय कलेक्टर महोदय को सूचित कर रहे हैं। इन्होंने प्रारंभिक अधिसूचना की जानकारी तक गाँव में नोटिस तक नहीं चिपकाए हैं, एक जानकारी नहीं दी है। ये किसी भी नियम का पालन नहीं कर रहे हैं, ये भी किसी कानून का पालन नहीं कर रहे हैं। इनकी टीमें जाके सीधे सर्वे कर रही हैं, गांव के लोगों को डरा रही हैं, गांव के लोगों से ये कह रही हैं यदि आप सर्वे नहीं कराएंगे हम आपके गांव का मुआवजा बिल्कुल कम कर देंगे। ये इनका अधिकार है। क्या कारण मानते हैं आप? भाजपा की सरकार केंद्र में, भाजपा की राज्य में है, और ये सारे भाजपा के ही वोटर किसान खड़े हुए हैं, क्यों सुतला व्यवहार हो रहा है? नहीं देखिए, मैं इसे पार्टी से नहीं ले रहा हूँ, मैं इसे सिर्फ कानून से ले रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे राष्ट्रपति द्वारा बनाया गया कानून सर्वोपरि है, चाहे वो भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे जनता हो, सब मानने के लिए उसे बाध्य है। सरकारी कर्मचारी उस प्रक्रिया का पालन करें। और मैं बार बार इनसे निवेदन कर रहा हूँ, कलेक्टर महोदय को 6 से ज़्यादा ज्ञापन दे चुका हूँ, जानकारी दे चुका हूँ, पर प्रशासन अपनी मनमानी से बाज नहीं आ रहा है। प्रशासन लगातार मनमानी कर रहा है और जनता के बीच में अलग अलग तरह की बातें देखे, जनता को मजबूर होकर यहाँ पर ज्ञापन देने आना पड़ा। धन्यवाद। जब आए हुए हैं, किस प्रकार का ज्ञापन दिया है, क्या मांगे हैं? उनका कहना है कि केन बेतवा लिंक परियोजना में जो हमारे गांव की जमीनें जा रही हैं उसकी स्पेसिफिक जानकारी हमारे लिए दी जाए। धारा 11 का जो नोटिफिकेशन हुआ है वो एक तरह से ब्लैंकेट नोटिफिकेशन होता है, और उसके तहत इसके बाद में जो दावा आपत्ति होती है उनका निराकरण किया जाता है, और जो धारा 19 का नोटिफिकेशन होता है वो स्पेसिफिक होता है। ये पूरी जानकारी लेने के लिए ये बात है, और इस तरह का जो नोटिफिकेशन हुआ है इसकी कॉपी हम ग्राम के सार्वजनिक स्थल पर चस्पा करवाएंगे। वो ये चाह रहे हैं कि हमारे लिए जैसे हमारे पेड़ हैं, पौधे हैं, मकान हैं, उनका अभी डिटेल रिपोर्ट हम जो अर्जन में आना है उसकी रिपोर्ट नहीं तैयार हुई है। वो रिपोर्ट तैयार होने के बाद में वो भी पब्लिश होगी। केन बेतवा लिंक परियोजना की जो प्रोसेस चल रही है वो क्या है, और ये इसमें विरोध क्यों आ रहा है, ये क्यों ऐसा चाह रहे हैं? देखिए, विरोध करना या आपत्ति प्रस्तुत करना आपका अधिकार है, परंतु जो भी कार्रवाई होगी वो विधि सम्मत होगी और कानून के अधीन ही होगी। धन्यवाद।